नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। समस्तीपुर के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से समाज सेवी सत्यनारायण सिंह कुशवाहा निर्दलीय से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, देखिए। जब अब चुनाव आ रहा है, वोटिंग भी होगा, जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, चुनाव आ रहा है, इसमें अभी हमको ज्यादा क्या बोलेंगे, लेकिन एक चीज हम स्पष्ट कर देंगे, जो कि जितना भी पार्टी वाला है उस सब चीज को आप लोग ध्यान में नहीं रखें। और अभी 5 साल में कौन कौन आपके पास आया है, क्या क्या किया है, उस सब को देखते हुए, और आप जो है सो चुनाव में वोट जो है बहुत सोच समझ करके देंगे, क्योंकि आपका एक राष्ट्रपति और आपका वोट का हक बराबर है। इसके चलते कोई भी प्रलोभन दे, दारू दे, मुर्गा दे, किसी को भी बुला करके आपके नजदीक में जो अच्छा लगे उस व्यक्ति को चुनिए, पार्टी पर मत जाइए, प्रलोभन पर मत जाइए, जो आपके बीच में जो व्यक्ति अच्छा लगता हो, आपके बीच में काम कर सकता हो, उस व्यक्ति को चुनिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि इनका जो एक पॉइंटली बात बोले हैं, काफ़ी अच्छा बोले हैं कि अगर आप जब भी चुनाव करते हैं, ये आपका अधिकार है, जब भी अगर आप चुनाव करते हैं, जिस व्यक्ति को आप चुनना चाहते हैं, पहले उस व्यक्ति को देखिए, आप व्यक्तिगत व्यक्ति पर मत जाइए, और जो कार्य करने लायक है या नहीं उस व्यक्ति के अंदर गुण देखिए, उसके बाद वोट कीजिए। काफ़ी अच्छा इनका सोच है सत्यनारायण सिंह कुशवाहा जी का, और ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं, चुनाव निश्चित ही लड़ेंगे ये इस बार उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से। तो अब देखने वाली बात होगी जो इन्होंने कार्य किए हैं जनता के बीच में, जनता किस तरीके से इस बार इनको साथ देती है, वोट किस तरीके से करता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ में मुकेश कुमार, एचबीएन न्यूज समस्तीपुर। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और देखते रहे एचबीएन न्यूज।